आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आज मऊ के मधुबन में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है। बीजेपी आज जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है मऊ में। वहीं पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और जो कि उसके संयोजक हैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं मऊ के घाट पे जनसंवाद कार्यक्रम है, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जनसंवाद की सीधी तस्वीरें हम मऊ से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां मिशन पूर्वांचल चल रहा है भाजपा का। कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। मऊ के मधुबन में बीजेपी का ये बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। जनसंवाद के जरिए आज जनता से जुड़ रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता। वहीं पूर्व IAS और मौजूदा MLC AK शर्मा मौजूद हैं। इनका माल्यार्पण कर इनका स्वागत किया गया, फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा। तिलक लगा के, आरती उतार के, माला पहनाकर भव्य स्वागत किया, जनता के बीच आए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ उमड़ी है इनके स्वागत में। तो जनता के बीच आज बीजेपी के दिग्गज नेता मऊ में मौजूद है। मऊ के मधुबन में ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जनसंवाद कार्यक्रम, जिसमें जनता के बारे में सोचा जा रहा है। जो कुछ भी योजनाएं लाई जा रही है सरकार द्वारा, उसका पूरा ब्यौरा देते हुए नजर आएंगे, जनता की परेशानियों को सुनते हुए नजर आएंगे। और इस कार्यक्रम में काफी भीड़ देखने को मिल रही है, और इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य स्वागत किया गया है AK शर्मा का। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है, फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया है। तो मऊ के दोहरी घाट में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। MLC AK शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच चुके हैं, जिनका फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम है, बीजेपी अलग अलग जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम कर रही है। चुनावी माहौल उससे पहले ये कार्यक्रम काफी अहम होते हैं, क्योंकि जनता के बीच में जाना, उनकी परेशानियों को सुनना, उनका समाधान करने की कोशिश करना, और ये प्रयास करना कि जो भी तकलीफें हैं उसको दूर करने की सरकार कोशिश करेगी। आने वाले समय में जब दोबारा चुनकर लाई जाएगी, तो उसके बाद भी ये कोशिश करी जाएगी कि जनता को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, विकास कार्य किए जाए। सीधी तस्वीर हम आपको मऊ से दिखा रहे हैं, मऊ के मधुबन से ये सीधी तस्वीरें, जहां पे बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद है। कार्यक्रम चल रहा है, सीधी तस्वीर हम कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं आपको, जहां पे लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे मंच पे सभी बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यकर्ता मौजूद है। देखिए आदरणीय प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, पूर्व में प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत रहे IAS अधिकारी, कितने नम्र हैं, कितने विनम्र हैं। जिन्होंने कहा इन विपरीत परिस्थितियों में जो इतनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, उनसे मैं माला नहीं पहनूंगा, मैं उनको माला पहनाऊंगा। ऐसे सहृदय आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष के शर्मा के लिए मैं चाहूंगा जोरदार नारा लगाए आप लोग, नारायण मोदी AK शर्मा। मधुबन की धरती है ये ऐतिहासिक धरती रही है। ब्रिटानी हुकूमत में अंग्रेज थर्राता था इस धरती से, आवाज इतनी कम रहेगी तो मजा नहीं आएगा। पूरा नारा लगाइए, नारायण मोदी AK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद नारायण मोदी AK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद नारायण मोदी अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद AK शर्मा अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद JP नड्डा AK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद नारायण मोदी AK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद अमित शाह AK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद JP नड्डा योगी आदित्यनाथ AK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब मैं चाहूंगा भाई साहब इसी क्रम में जिला अध्यक्ष जी जाए और लोकार्पण कर दें। जो सड़कें मुझे याद है, हर गांव में, जिस गांव में जाता हूं, अभी दुबारिया सुखी चौरी से लोग आए थे, जब सुखी चौरी में आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी पहुंचे, और जब मैंने उनको बताया वहां के अस्पताल की हालत, तो उन्होंने कहा कि मैं सुखी चौरी के अस्पताल
कश्मीर से न जाने कितने बस भर के लोग आए हैं। आपने देखा बदलाव, जो ये कहते हैं वो करते हैं, ऐसे हैं आदरणीय के शर्मा जी। ईश्वर का वो देखिए कि जो विकास का कार्य रुका हुआ था 24 वर्षों से, बड़ी बड़ी चीजें रुकी हुई थी, ऐसा समय आया जब आज ही के दिन आदरणीय के सम्मानित जी ने आज ही का दिन चुना जिस दिन विकास पुरुष इस जिले को जिला बनाने वाले स्वर्गीय कल्पनाथ राय का जयंती है, इसी दिन को उन्होंने चुना और कहा इस दिन से मऊ बनारस पूरे पूर्वांचल के विकास का आदि बढ़ाएंगे, ऐसे एके शर्मा जी हैं। मैं चाहूंगा पुनः एक बार इनका नारा का स्वागत करिए, नरेंद्र मोदी एके शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। कृपया माइक से कब तक छुए, मैं आपको उनके कुछ कार्यों से अवगत कराना चाहता हूँ। मऊ से आनंद विहार दो ट्रेन चलाया, कितने लोग गए हैं उस ट्रेन से, अभी कई लोग तारीफ कर रहे थे कि बड़ा बढ़िया भाई, कुछ मीडिया वाले उनसे बाइट ले रहे थे हमसे, तो उन्होंने बताया कि बड़ा आराम हो गया, दो दो ट्रेन चल गई मऊ से। बस स्टेशन का हालात आपने देखा होगा, जैसे ये पहुंचे पूरे पूरे बस स्टेशन का कायाकल्प करके भवन हटाकर नई बिल्डिंग बना दी गई, ऐसे ही एके शर्मा है। मधुबन तहसील बताया आपने, सुखी चौरी का पूरा कायाकल्प बदल रहा है, वहां के लोग कितने खुश और प्रसन्न है। घोसी में 100 बेड के अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट समर्पित किया, मऊ जिला के महिला और पुरुष अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना सुदृढ़ किया, विकसित किया। 6 जनपद मऊ में पदिया की मांगों के लिए नव निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा है, जो जल्दी पूरा हो जाएगा। कितना 100 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है, जो अभी कई लोग आए थे आदरणीय मंत्री साहब, जो आपके अमिला से मादी की तरफ जाते हैं लोग करा के रो रहे थे, हमका उसका 3 भरने वाला है। अप्रैल के महीने में इनके व्यक्तित्व के बारे में ही सोचिए आप, अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश नहीं दुनिया एक ऐसे कोरोना काल के संकट में आ गया था कि प्रधानमंत्री जी ने याद किया अपने हनुमान को एके शर्मा को। अब 13 अप्रैल के दिन जब इनको दायित्व समझे सौंपा तो बनारस ही नहीं पूरे के पूरे पूर्वांचल में जो 400 बेड की व्यवस्था हुआ करती थी अप्रैल के महीने में खत्म होते होते वो 4000 में बदल गया, ऐसे आपके के शर्मा है, ऐसा इनका काम करने का सोच ढंग है। ऑक्सीजन प्लांट 1500 से 1000 पहुंच गया, और कोरोना काल में अगर पूर्वांचल में एकांत को नाम लिया जाए तो प्रधानमंत्री के यहाँ सरोज नाम होगा, जो आदरणीय आपके लाल आपके बेटे आपके ये एके शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष का है, जिनके वजह से पूर्वांचल में बहुत बहुत पूर्वांचल का समझता पूरा उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये व्यवस्था किया। इसी क्रम में मैं चाहूंगा एक बड़ी माला है जो लाकर माननीय एके शर्मा जी को उसमें जो अतिथिगण हैं आदरणीय उपाध्यक्ष में चाहूं यहाँ आ जाए, आदरणीय विजय राजभर जी, प्रवीण गुप्ता जी महिला नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, आदरणीय दिनेश जी एमएलसी साहब, राजेश त्रिपाठी जी, विनोद जी, हम भी पकड़ लेते हैं जी, ये लाइव है और इसको और ये सामने से बनाओ ना भारत माता की।
पूरा हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर गगन भेदी नारा लगाइए आप लोग। मैं जान रहा हूं दस दिन से आप लोग बैठे हैं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं चाहूंगा जिला अध्यक्ष जी, क्योंकि 3 बज रहा है, कोई सुग्गी चौरी से आया है, कोई देवारों से आया है, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, देवरिया बलिया कुशीनगर रायबरेली फैजाबाद लखनऊ से भी आए हैं, एक बालामाला और आए हैं, आदरणीय अजीत सिंह जी लाए हैं, इनका बड़ा निवेदन है कि वही बनाना, जल्दी लाइए, फिर समय नहीं है। मैं वही बता रहा हूं कि बहुत ठंड का समय है, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जल्दी से एक रन कराइए। और आदरणीय अरविंद मेहता जी, गदा आपका पेमा हाथ लेकर ऊपर आ जाए तुरंत, एक मिनट के अंदर दोनों का खत्म कराइए। आदरणीय अजीत सिंह जी, आदरणीय अजीत सिंह जी, हाँ तुरंत तुरंत खत्म कराइए। और आदरणीय अमित राय जिला मंत्री, आज तलवार फेंक करना चाहते हैं, इसके बाद वो आ जाएंगे और तलवार तलवार गदा दोनों लेके खड़े रहे, तलवार और गदा लेकर दोनों लोग तैयार रहे। और मैं चाहूंगा भारत माता की, अभी भाई उत्पाद जी गदा भेंट करेंगे, गदा भेंट करके मुख्य अतिथि जी का द्वारी घाट की पावन धरती पर स्वागत करेंगे, अजीत सिंह जी स्मृति चिन्ह देंगे और हम वस्त्रम से सम्मानित करेंगे। भाई उत्पल राय कई दिन से लगातार मेहनत कर रहे थे अपनी टीम को लेकर के, आज आपकी मेहनत दिखाई दे रही है, यह मां सरयू का पावन किनारा, द्वारी घाट की पावन धरती आज खचाखच भरी हुई है, यह विक्ट्री का मैदान। भाई अमित राय जी जो कोठा के रहने वाले है वो तलवार भेंट करेंगे, और जिला महामंत्री किसान मोर्चा और गदा भेंट करके मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। भाई उत्पल राय जी गदा भेंट करके मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। आई आज सुमंगल बेला किलों का उपहार लिए, शर्मा जी धन्य हुए हम आप पधारे, आशीर्वचन अपार लिए। आज द्वारी घाट की पावन धरती पर बार बार स्वागत है, बंधन है। भाई उत्पल राय जी गदा भेंट करके और तलवार भेंट करके भारत माता की जय। आगे बढ़ जाइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्पल राय जी द्वारा गदा भेंट करके मुख्य अतिथि का स्वागत हो रहा है। और सीधे अब मैं चाहूंगा जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जिला अध्यक्ष जी बोले भारत माता की जय। आप सभी काफी देर से बैठे हैं और भगवान सूर्य भी आप सबको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा एनर्जी आई होगी, तो बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद योगी आदित्यनाथ, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद एके शर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिनका आप सभी को बहुत ही लंबे समय से इंतजार था, आप सभी काफी देर से आए हैं। ऐसे मुख्य अतिथि
हम सबके बीच में मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष एमएलसी विधान परिषद के सदस्य मंच पर विराजमान है माननीय एके शर्मा जी। मैं मधुबन की शहीदी धरती और जिले के कोने कोने आए हुए कार्यकर्ता माताओं बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, जोरदार तालियों से अपने मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करिए। और एक एक लोगों का मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा क्योंकि आप सभी काफी देर से बैठे हैं। मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे दूर दराज से आई हुई माताएं बहने, अनेकों जनपदों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक, बहुत दूर दूर से इस मधुबन की धरती विक्ट्री इंटर कॉलेज पे आप सभी आए हैं। मैं आप सभी के सामने अपना शीश झुका करके आप सभी को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। प्रेस के मित्रों, आज अवसर है जनसंवाद का। हम सबके बीच में अपने ही मऊ के माटी के लाल श्रीमान एके शर्मा जी, जो प्रशासनिक सेवा में रह कर देश और देश ही नहीं देश के अनेकों प्रदेशों में भारत की जनता का सेवा करने का काम किया है। आप प्रशासनिक सेवा के रूप में आपने प्रदेश के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए माननीय मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलते रहे। लेकिन एक जज्बा है, जज्बा इस प्रकार का कि जनता की सेवा करनी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ शुरू से रहते रहते पार्टी ने भी सोचा कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जो देश के बारे में सोच रहा, प्रदेश के विकास के बारे में सोच रहा, तो क्यों ना जनता के बीच में भेजा जाए, वहां भी जाकर के जनता की सेवा करेगा। ऐसे एके शर्मा जी, मैं आज आपका इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज आप सबके बीच में विधान परिषद सदस्य के रूप में विराजमान है। आपने देखा होगा कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अनेकों विकास की गाथाएं लिखी जा रही है। जब से 2014 में सरकार बनी है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में सरकार बनी है, फिर आप सबके आशीर्वाद से 2019 में सरकार देश के अंदर बनी है, विकास की अनंत गाथाएं लिखी जा रही है। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय एके शर्मा जी अभी आए हैं, अनेकों विकास की योजनाओं का इन्होंने लोकार्पण किया है। इससे यह आपको समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं। हमारे कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। हम विकास की बात करते हैं, विपक्ष के लोग जातिवाद और धर्मवाद और संप्रदायवाद की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उनके जो राजनीति की दुकान है वो बंद हो चुकी है, तो बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जनता विकास को जानती है और विकास के रास्ते पे चलना चाहती है। आप सबके सहयोग से, जिस तरीके से आप सभी ने 2014, 2017, 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा के संगठन को आपने बैठाने का काम किया, एक गरीब माँ के बेटे को आपने प्रधानमंत्री के रूप में देश के अंदर बैठाने का काम किया, मैं आज इस मंच के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ, मधुबन की शहीदी धरती से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी 2022 में भी पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 350 बार बनाएंगे। ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः जहां तक मेरी आवाज जा रही, सारी महिलाओं से विनम्र निवेदन है कि बस थोड़ी देर और कार्यक्रम चलेगा। मुझे मालूम है सुबह 10 बजे से आप महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, थोड़ी देर का और कार्यक्रम है, कोई अपनी जगह से न हिले। जब आपने इतना सम्मान बढ़ाया है तो कहीं भी कुछ भी हो जाए, 15-20-25 मिनट और आप लोग रुके, मैं आपसे पूरा निवेदन कर रहा हूँ। इसी क्रम में चाहूंगा सुरेश तिवारी जी से कि आवे अपने
बातों को रखें। हेलो 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 आज मधुबन के धरती पर तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व राज्य मंत्री उत्पल राय ने गदर के साथ स्वागत किया मुख्य अतिथि का, तो मुख्य अतिथि का स्वागत भी किया गया। जय श्री राम के नारे भी देखने को मिल रहे हैं, काफी भीड़ देखने को मिल रही है लोगों की, और ये जो स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पे कई सौगात भी दी जाएगी। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में जानकारी तो दी ही जा रही है, साथ ही मऊ के बारे में भी बात हो रही है। मऊ की जनता को बताया जा रहा है कि कितना विकास किया जा रहा है, और साथ ही सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया एके शर्मा द्वारा, और साथ ही अभी एके शर्मा का स्वागत भी किया गया था माला पहनाकर, और सभी का सम्मान किया जा रहा है और उनको संबोधित करते हुए ये बात भी मुख्य रूप से कही गई कि दूर दूर से सिर्फ मऊ की जनता यहाँ पे मौजूद नहीं है, कई जिलों से जनता यहाँ मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितने कार्यकर्ता अलग अलग जिलों से आए हैं यहाँ पे जनसंवाद कार्यक्रम में। तस्वीरें देखिए, वरिष्ठ कनिष्ठ नेताओं का भी स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे समाज जनता जनार्दन का भी स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। भाइयों, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन एके शर्मा जी आज के आने वाले 2022 के मुख्यमंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं, और इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आगे जब मैं भाषण दूंगा तो सबका जय माता का, जब तक हाथ उठा के आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक मैं आगे भाषण नहीं चलाऊं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। अभी गोरखपुर क्रॉस भाई दिल्ली तक जाएगा, बा एक चांस खत्म, दो गो बाकी बा, अभी भी चेतावनी दे रहा हूं, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। सबका धन्यवाद। मैं आज आप लोगों के सामने दो तीन बातें रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र की पार्टी है, लोकतंत्र की पार्टी एक ही है जो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी जो जितनी पार्टियां हैं घरेलू पार्टी है। कांग्रेस जीत जाएगी तो कौन मरेगा? पप्पू, कौन पप्पू हो? पप्पू दावेदार रहेगा, और एक लाल टोपी उनका अखिलेश मुलायम, कौन जीत गए तो कौन बनेगा? अखिलेश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था तो हमारे जैसा नेता सब बोल रहे थे अडवाणी जी सीनियर हैं, अडवाणी जी अभी राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन हे जनता जनार्दन, ये लोकतंत्र की पार्टी जब संसद की मीटिंग बैठी तो उसमें अपना राष्ट्रपति राम गोविंद प्रसाद जी बन गए, जो नीचे से उठाकर और राष्ट्रपति बनाए। इसको भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पार्टी कहती है, जो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए मत सोचो लोकतंत्र की पार्टी है। बहुत लोग बोलते हैं, अखिलेश जी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी का अंत होने वाला। अखिलेश जी, मैं आपको चुनौतियां देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, किसी का नहीं बनेगा। हे जनता जनार्दन, मोदी और योगी क्या नहीं किए ये अब बताना जरूरत नहीं है।
कौन सी ऐसी बात नहीं हुआ, इसको नजर घुमा के देखो कौन नहीं हुआ। गैस हुआ, बिजली हुआ, जो बीमारी गरीब के बीमार लोग रहते पांच रात, दवा राशन क्या क्या बताऊं, जो सब कुछ दिया है। और वो पार्टी इस बार 350 पार करने के जरूरत है और होगा ही, इसमें संदेह नहीं है। इसी के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य दिनेश सिंह जी, हमें अपने वक्तव्य दें। आदरणीय दिनेश सिंह जी। धन्यवाद भाई पलराय जी। आज इस जन संवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मऊ के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित, सभी समाज के निर्वाचित और मनोनीत जनप्रतिनिधिगण, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई उत्तर प्रदेश के जन जन के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, सदस्य विधान परिषद, अनुभव, योग्यता और साहस के भंडार आदरणीय के शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मऊ के लाट साहब, हमारे छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष भाई मनोज राय जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के साथियों, मैं रायबरेली जनपद से मऊ की पावन धरा पर आने का अवसर देने के लिए अपने बड़े भाई आदरणीय के शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये पावन धरा को आज देखने का अवसर मुझे मिला और इस धरा पर आकर के मैंने देखा आज का उत्साह, मैंने तो रायबरेली में कभी ऐसा उत्साह नहीं देखा जो आज मऊ के लोगों में मैंने उत्साह देखा है। अभी भी मैं कह सकता हूं, मैं अगर मऊ से चला था धोरी घाट के लिए तो 5000 कम से कम गाड़ियां रास्ते में थी जिनको किसी तरह पार करके मैं इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं मऊ के उन साथियों को जो अपने मऊ के चिराग के लिए अपने घरों से घी लेकर आए हैं और इतना सारा घी लेकर के आए हैं कि यह चिराग मसाल बन जाएगा और मऊ से बड़ी दूर तक उजाला करेगा, मऊ से उत्तर प्रदेश को रोशन करेगा, मऊ से इस देश को रोशन करेगा। हम सब भली भांति जानते हैं इन्होंने गुजरात चलाया है, इन्होंने देश चलाया है और ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं आदरणीय के शर्मा जी, दुनिया के किसी कोने में अगर चले जाएंगे तो निश्चित तौर से अपनी योग्यता के कारण उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाकर ही लौटेंगे। ऐसी योग्यता आदरणीय के शर्मा जी में है, मैं निश्चित तौर से इनके साहस की भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। मैंने देखा है एक थोड़े से समय में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद का भ्रमण करके भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं थोड़ी बहुत निगेटिविटी थी, थोड़ी बहुत नकारात्मकता थी, तो पूरे 75 जिलों में सकारात्मक भाव उत्पन्न करके और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम आदरणीय एके शर्मा जी ने किया है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी एके शर्मा जी के परिश्रम और मेहनत के बदौलत बहुत ही ताकतवर हुई है। मैं समझ सकता हूं कि हम लोग थोड़ा विलंब से कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जो आदरणीय के शर्मा जी को सुनना चाहते हैं। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं आज का भारत, आज का उत्तर प्रदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भारत, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश, ऐसा पहले हम सब ने कभी नहीं देखा है। निश्चित तौर से एक नए उत्तर प्रदेश जो भारतीय संस्कार संस्कृति से समृद्ध उत्तर प्रदेश है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं अब पाश्चात्य सभ्यता के पोषक लोग आज भी कहते हैं मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। सम्मानित साथियों, हम सब खूब अच्छे से जानते हैं हम नारी का सम्मान करते हैं, हम मानते हैं इस भाव के पोषक हैं। यत्र नारेषु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः,
हम लड़ने के लिए नारी की आवश्यकता नहीं महसूस कर सकते। ये तो कांग्रेस में ही होता है, जहां पुरुष और पुरुषत्व दोनों समाप्त हो चुका हो वहां लोग नारी को आगे करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी उनमें साहस है, शक्ति है, एके शर्मा जैसे लोग हम सबके आगे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश को एक मजबूत नेतृत्व मिलने जा रहा है। हम इस भाव से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बड़ी दूर से आया हूं, दुआएं लेके आया हूं। ईश्वर करे नव वर्ष में आप सब मऊ को बहुत बहुत सुख समृद्धि और वैभव हासिल हो और हमारे आदरणीय के शर्मा जी का महत्व ऊंचाइयों पर जाए, मऊ का महत्व ऊंचाइयों पर जाए। हम कह सकते हैं रायबरेली जनपद वीआईपी जनपद हुआ करता था, लेकिन आज मऊ का सौभाग्य है, जो शक्ति, जो बौद्धिक ताकत, जो साहस मऊ के पास है शायद रायबरेली के पास नहीं है। मैं सलाम करता हूं ऐसी माटी को जिसमें एके शर्मा जैसे लोगों ने जन्म लेकर के मऊ को ताकत देने का काम किया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, यहां पर जितने बहुत भारी संख्या में जो लोग उपस्थित हुए सबका अभिनंदन करता हूं। हम अपने भाई आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी का नाम लेना भूल गए, मैं उनसे परिचित हूं, बहुत सारे लोगों से नहीं परिचित हूं जिनका नाम नहीं ले सका, मैं उनसे माफी चाहता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, धन्यवाद। प्रयाग शिक्षा कर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आनंद शंकर सिंह से चाहूंगा कि हमें दो मिनट अपना संबोधन दें। डॉक्टर आनंद शंकर सिंह, आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप सबके महबूब नेता माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी, मंच पर उपस्थित गणमान्य नेतागण और हमारे सम्मुख इस जनपद के दूरस्थ अंचलों से सुधी जन और यह जन सैलाब और इस कार्यक्रम के, इस विशाल कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय उत्पल राय जी, मुझे लगता है कि आज आपके और अरविंद शर्मा जी के बीच में किसी के होने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि संपूर्ण उत्तर प्रदेश का दौरा करके, और केवल दौरा किस नाते, अभी मंच से कहा जा रहा था, आप सभी जानते हैं कि अपनी सेवा के उत्कृष्टतम दो वर्ष बचे हुए थे और भारत की सर्वश्रेष्ठ सेवा को तिलांजलि देकर और जन सेवा के लिए आपके बीच में आए हैं। कहा जाता है, गांधी जी कहा करते थे और भी बहुत, विश्व पितामह कहा करते थे कि भारत की राजनीति कैसी हो, तो भारत की राजनीति धर्म केंद्रित हो। धर्म का अर्थ उपासना नहीं है, धर्म का अर्थ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, धर्म का अर्थ सिख ईसाई नहीं है, राजनीति का धर्म हमेशा जन सेवा है और उस जन सेवा को, उस नैतिकता को, उसकी गांठ बांध करके अरविंद शर्मा जी आपके बीच में हैं और उसी धर्म का अनुपालन कर रहे हैं। समस्त जिला में घूमने के बाद वहां की जन समस्याओं से रूबरू होकर उनके निस्तारण के लिए अपनी ही सरकार को जगाने का, अपनी सरकार से विमर्श करने का और आम जनता के चेहरे पर कैसे थोड़ी खुशी ला सके, इसका एक सम्यक और एक 10-11 महीने का एक छोटा सा अल्पकाल है। मेरे पास यह पत्रक है जिस पत्रक में इनके द्वारा किए हुए बहुत सारे काम हैं। मुझे लगता है कि साथी उत्पल राय जी ने बहुत सारे कामों की यहाँ चर्चा की, बहुत सारे कामों के बारे में, उसी योजना के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में, भविष्य की क्या योजना है उसके बारे में आदरणीय अरविंद शर्मा जी खुद आपसे संवाद स्थापित करने आए हैं और ये उनका हक है, क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि मैं आपका अरविंद आपके बीच में खड़ा हूं। केवल दो एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं सिर्फ दो मिनट के समय में। हम सभी लोग बहुत वाइब्रेंट गुजरात, हम तो शिक्षक हैं पेशे से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, कि गुजरात की धरती पर आदरणीय मोदी जी के सपने की गंगा, उनके विजन की गंगा, उनके दृष्टिकोण की गंगा, उस गंगा को अपने भागीरथ प्रयासों से उतारने का प्रयास आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने किया। इसके लिए आदरणीय शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। और वो गंगा कितनी पवित्र थी, कितनी खूबसूरत थी कि देश में एक विमर्श खड़ा हुआ कि गुजरात का मॉडल
भारत के विकास का मॉडल क्यों नहीं हो सकता। हम लोग अकादमिया में इसकी चर्चा करते थे, जानते हैं विकास होता क्या है। विकास का अर्थ केवल सड़कें बन जाना किसी भी कीमत पर, आम जनता के मानवता के क्षरण की कीमत पर विकास विकास नहीं होता। कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है? स्थायी विकास की अवधारणा क्या है? धारणीय विकास की अवधारणा किसको कहते हैं? टिकाऊ विकास किसको कहते हैं? वह विकास जो प्रकृति का संरक्षण करे, मानवता का हित रक्षण करे, इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना होने दे, उसको इम्बैलेंस ना होने दे, उसका संरक्षण करे और इस संस्कृति को गतिशील रखे और सबको एक खूबसूरत जीवन की केवल कल्पना नहीं बल्कि उसको व्यावहारिक रूप में आपके सामने उतारे, यह सम्यक विकास की अवधारणा है। और इस विकास की अवधारणा के जनक के रूप में हम लोग अरविंद शर्मा जी को जानते हैं। और जब देश में यह विमर्श खड़ा हुआ कि भारत का विकास क्यों नहीं, आप जानते हैं मैं गुजरात कई बार मुझे जाने का मौका मिला, गांव गांव में पंचक्की आपको देखने को मिलेगी। आप कल्पना करिए उसमें पानी का वेस्टेज नहीं है, उसमें भूमि की आर्द्रता बनी रहती है, किसान को जितनी सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता उतनी पानी मिलती है। गांव गांव में सोलर, अभी भी उत्तर प्रदेश में हर गांव में सोलर पैनल अब विकसित हो रहा है। अब तो पूरे देश में मोदी जी ने अभियान चलाया हुआ है, लेकिन आप कल्पना करिए कि जिस समय मोदी जी ने सोचा और जिस समय इस प्रकार के ऑफिसर्स ने लगातार मेहनत करके उसको जमीन पर उतारने का काम किया होगा, वह कितना कठिन समय रहा होगा। गांव गांव में सोलर पैनल दिखाई देते हैं, यह प्रकृति से बिजली लेना और उस प्रकृति को सुरक्षित रखना जो भारतीय चेतना की अवधारणा। भारतवर्ष में प्रकृति को कभी दोहन के लिए नहीं बनाया गया। उपनिषद हमारे कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजितः, हमारे वैदिक धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, अरण्यं ते पृथ्वी स्योन्मस्तु, हमेशा उसकी सुरक्षा करो, वनों की सुरक्षा करो, पेड़ों की सुरक्षा करो। हमारे यहाँ तो दांताओं तोड़ने के लिए भी पेड़ों से अनुमति लेने की बात कही गई है। हम पश्चिम के विकास की शर्त पर भारत का विकास नहीं कर सकते। वह विकास जनोन्मुख नहीं है, वह विकास मनुष्यता के लिए हितकारक नहीं है, लेकिन भारत का जो चिंतन है वह धरती का चिंतन है, वह केवल एक भूगोल का चिंतन नहीं है। केवल भारत एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये भौगोलिक क्षेत्र तो बहुत बाद में आया, केवल उसका चिंतन नहीं है। भारत का चिंतन लोक का चिंतन है, भारत का चिंतन पृथ्वी का चिंतन है। और उसी गुजरात के चिंतन से एक श्रेष्ठ एक भारत का चिंतन पैदा हुआ, आत्मनिर्भर भारत का चिंतन पैदा हुआ, स्वावलंबी भारत का चिंतन पैदा हुआ। भारत कृषि के क्षेत्र में कैसे स्वावलंबी होगा, उद्योग के क्षेत्र में कैसे स्वावलंबी होगा, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कैसे स्वावलंबी होगा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में कैसे स्वावलंबी होगा। हथियार बहुत बाहर से हम लोगों ने खरीदा, हम उसका उत्पादन मेक इन इंडिया के नाम पर कितने तरीके के कार्यक्रम चला सकते हैं, भारत कैसे स्वावलंबी होगा, यह भारत के स्वावलंबिता की संपूर्ण योजना थी। और यही वह स्वावलंबन था जो आजादी के आंदोलन में खोजा गया था। और जब 75 वर्ष पूरे होने पर आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कि हम भारत के आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, तो उसके पीछे यह हेतु था कि वह स्वावलंबन का आंदोलन, वह स्वदेशी का आंदोलन, वह देश के प्रति अभिमुखता का आंदोलन आज के युवाओं से कैसे कनेक्ट होगा, आज के लोग कैसे उसको समझेंगे, आज के लोग कैसे भारत पर अभिमान कर सकेंगे, इंडो सेंट्रिक विकास कैसे हो सकेगा, भारत केंद्रित विकास कैसे हो सकेगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे हो सकेगा, यह उन सारी योजनाओं का समग्र है। हम तो इतिहास के छात्र हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि अयोध्या में भगवान राम अवमुक्त हो जाएंगे। मैं बताऊं, राम मंदिर का आंदोलन कोई मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाने का आंदोलन नहीं था। राम मंदिर का आंदोलन भारत के परंपरा के संरक्षण का आंदोलन था। वो 21वीं शताब्दी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आंदोलन था। और इस प्रकार 300 बहुत सारे काम है जिन कामों को मैं नहीं गिनाना चाहता। मैं सिर्फ यहां से आदरणीय अरविंद शर्मा जी का बहुत स्वागत बहुत सम्मान करता हूं, उनके प्रतिभा का सम्मान करता हूं और मुझे ये उम्मीद है कि मऊ को केंद्र बना करके संपूर्ण पूर्वांचल का वो विकास करेंगे। और मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि हनुमान के रूप में साथी उत्पल राय जी इस विकास के कार्यक्रम की आधारशिला उनके साथ रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत, आदरणीय मंच का बहुत स्वागत और शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। एकदम रंजीत जी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा इस मधुबन की धरती से सीधे एक 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 लाए, लाए, अरे बस दे दो। भाइयों और बहनों, अरविंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
तिवारी जी, आप पहुंच गए दिल्ली तक आज? रिपोर्ट करो यार। यहाँ उपस्थित हमारे सभी पूज्यगण, हमारे मामा जी मंच में बैठे हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपने ननिहाल की इस धरती को मैं शीश नमा करके आप सबके चरणों में पढ़ करके द्वारी घाट की माँ सरजू की इस पावन पावन धरा को, पावन पावन किनारे को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सब, मुझे याद है आज सुबह का, हमारे यहाँ कार्यकर्ता मित्र जो लोग थे जो यहाँ काम में काम कर रहे थे इस सभा के आयोजन के लिए, सुबह में उनको इतनी चिंता थी कि भैया आज तो बड़ा कोहरा है, इतना बड़ा ठंडा है, कैसे लोग आएंगे, कहाँ से लोग आएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। और भाई जैसे 10 बजा तैसे ही लोग हमको कहना शुरू किए कि भाई साहब जल्दी करिए, अब जल्दी आने का करिए। सुबह में हमको कहिए था कि आराम से आइएगा, कोई जल्दी नहीं है, अभी भरने में लगता है टाइम लगेगा, पता नहीं भरेगा कि नहीं। कार्यक्रम हम लोग आयोजन करने का सोच रहे थे उस समय, यहाँ मऊ जिले के जो राजनीति के जानकार लोग हैं वो हमारे लोगों को धमकाए डराए कि भैया ये फील्ड तो कभी भरी नहीं है, इतनी बड़ी सभा तो कभी इस फील्ड में हुई नहीं है, यहाँ तो खाली खेल कूद बच्चे खेला करते थे इस इंटर कॉलेज के, विक्ट्री इंटर कॉलेज के, इतनी बड़ी सभा इतने बड़े प्रांगण में कर पाओगे? और आज मैं अपने सहयोगियों का, माननीय उत्पल राय जी का, माननीय राजू राय जी का, माननीय मिश्रा जी का जो बड़गांव के ब्लॉक प्रमुख है, और तमाम ऐसे अगल बगल के हमारे ब्लॉक के, द्वारीघाट ब्लॉक के, बड़गांव ब्लॉक के, फतेहपुर मंडाव ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख जी का, लोगों का खास मैं धन्यवाद करता हूँ। और अपने तमाम साथियों का, यहाँ रामविलास चौहान जी बैठे हुए हैं, जरा खड़े हो जाइए समय के अभाव में। देखिए यहाँ जितना लगभग लाखन के जो भीड़, लाख लोगों की जो भीड़ इकट्ठी हुई है, मैं लाख इसलिए कह रहा हूं कि 50,000 अंदर है, 50,000 से ज्यादा बाहर है। और मैं अगर इस ये बाउंड्री नहीं होती तिवारी जी और माननीय गण, ये बाउंड्री अगर इस कॉलेज की नहीं होती तो यहां से लेकर के घोसी तक जो लगभग यहां से 20-25 किलोमीटर है, विजय जी 25 किलोमीटर तक आपको जगह नहीं मिलती अपने को खड़े करने की। इसलिए लाख कहना भी बड़ी विनम्रता है, लाख से भी ज्यादा लोग इस सभा को सुन रहे हैं। और हमारे मित्रों ने पूरे द्वारी घाट में शायद माइक लगाया हुआ है, स्पीकर लगाया हुआ है, तो मैं मानता हूं कि हमारे ननिहाल क्षेत्र का पूरा संवाद, क्योंकि यहाँ तो पूरा राजनीति चट्टी पर होने, द्वारी घाट के मामा को आज हमने यहाँ बुला लिया है, नहीं तो आधा द्वारी घाट तो चाय की चट्टी पे होता है और उसमें वो भी बैठे होते हैं। तो और मैं उन लोगों से कह भी रहा हूँ कि अभी भी गोठा वाले सुने नहीं है मेरी बात, अभी भी गोठा वाले यहाँ हाजिर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जब हमन के यहाँ खगवास के बाद लड़का खोजे तब हमन पूछा जाएगी भैया वो दिन में कहाँ रहला। तब ऐसे ऐसा हमारा सौभाग्य है यहाँ मंच पर उपस्थित। देखिए यहाँ जो कहा गया, मैं भी इसी सोच से मैं आगे बढ़ा था इस कार्यक्रम को करने का कि मऊ जिले का एक संवाद किया जाएगा। फिर तिवारी जी जैसे लोगों ने कहा काहे भाई साहब खाली मऊ जिला, कुशीनगर चंद्रशेखर पांडे जी यहाँ बैठे हुए हैं, संत कबीर काहे नहीं, देवरिया काहे नहीं, हमारे हरिशंकर राय जी बैठे हुए कुशीनगर से, पुनीत राय जी आके बैठे हुए हैं। ये लोग कहने लगे कि क्यों खाली मऊ का, क्यों खाली आजमगढ़ का, क्यों खाली बलिया का। तो बात बढ़ते बढ़ते कुशीनगर तक पहुंच गई। उसके बाद जब बात फैली तो आप मानेंगे नहीं, यहाँ रायबरेली भी उपस्थित है। भाइयों बहनों, ये मात्र पूर्वांचल का या मात्र मऊ जिले का जनसंवाद कार्यक्रम नहीं रह गया है, यहाँ बलिया से लेके बुलंदशहर तक के लोग हाजिर है। यही है बुलंदशहर के प्रधान जी यही खड़े थे, यहाँ कहाँ गए, गाजीपुर से लेके गौतम बुद्ध नगर, देखिए हाथ 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 जोड़ के वो लोग खड़े हो गए गौतम बुद्ध नगर के।
जौनपुर से लेके झांसी और जालौन तक के लोग यहाँ खड़े बैठे हुए, सोनभद्र से लेके सहारनपुर, अमर कहा गया सहारनपुर, हाँ ये सहारनपुर, पूरे चंदौली, चंदौली के लोग हैं, बनारस के लोग हैं, गाजीपुर के लोग हैं, प्रयागराज के लोग हैं, कोई जिला भाइयों बहनों बाकी नहीं है। सच पूछिए तो आपका बड़प्पन है, पूर्वांचल के लोगों का बड़प्पन है कि आप खड़े हैं 5 घंटे से, अब आपने अपने मेहमानों को यहाँ कुर्सी में बैठाया हुआ है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी मेहमान नवाजी, और बहुत लोगों को तो मैंने सच पूछिए तो बहुत लोगों को मैंने मना किया कि भाई साहब पश्चिम के लोग, कई लोग कह रहे थे कि भाई साहब हम लोग आते हैं इतनी गाड़ियां इतने लोगों को लेकर के, मैंने कहा भैया द्वारी घाट छोटी जगह है, मऊ छोटी जगह है। अभी हमारे एक मित्र सुबह मिले तो मैंने पूछा कहाँ रुके हो भैया ये बता दो हमको, हमको बड़ी चिंता हो गई उनको देख करके, तो कहे नहीं हमने अपनी व्यवस्था कर लिया था। मैंने कहा मऊ घोसी द्वारी घाट हमारा आप लोगों के चरणों में नमन करते हुए जो दुख होता है अब उसकी बात मैं करूंगा कि जैसा द्वारी घाट, मैं बचपन में इस द्वारी घाट में मैंने बताया मेरा ननिहाल है सरिया गांव में, यही ठाकुर गांव हो पतनई हो सब कुछ देखा हुआ है, निधि राय जी थे ठाकुर गांव के, और इस कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें हमारे 10-5 लोग परिचित नहीं हो। मैं जब आता था बचपन में 50 साल पहले की मैं बात बता दूं, अब मैं 59 साल का हो गया, भाइयों बहनों दुर्भाग्य की बात यह है कि 50 साल पहले जो मोटा मोटी स्थिति द्वारी घाट में हमको दिखती थी, घोसी में दिखती थी, दुर्भाग्य है हम सबका, दुर्भाग्य है पूर्वांचल का कि मोटा मोटा वही स्थिति माननीय तिवारी जी और माननीय गण आज भी हमको वही दिख रही है। विकास के नाम पर इस राज्य में जिन लोगों ने शासन किया हमारी सत्ता के पहले, भारतीय जनता पार्टी के पहले, 75 साल हमारा इतना नुकसान हुआ, इतना इतना हमको गर्त में किया गया है कि आज हमें अपने मेहमानों को रोकने के लिए, रुकवाने के लिए मुझे उनसे क्षमा मांग करके हाथ जोड़ना पड़ा कि भाई साहब आपने पश्चिम में जब मैं आया था तो बहुत सम्मान दिया था आपने, फिर मैं पश्चिम में आऊंगा तो आपका सम्मान लूंगा, लेकिन मेहरबानी करके ठंडी का समय है यहाँ मत आइएगा, ऐसा मुझे कहना पड़ा। नहीं तो इस जगह को तो क्या इसको पूरा ढा देने की जरूरत पड़ती, इतनी जनता यहाँ आने को लालायित थी पूरे राज्य से, और ये आपके आपके पुण्य का प्रताप है, मेरी माँ के पुण्य का प्रताप है, सरजू माता के पुण्य का प्रताप है, यहाँ भगवान विश्वनाथ यहाँ बैठे हुए हैं, सरिया गांव में एक शिव मंदिर था, माननीय राजेश त्रिपाठी जी ने यहाँ सामने की तरफ आप सबको मालूम है बहुत बड़ी शिव स्थली भी बनाया है, बहुत अच्छा शमशान का स्थान भी बनाया है, इन सबको प्रणाम करते हुए आप चरणों में आपके सबके चरणों में वंदन करते हुए मैं एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देता हूं। और जैसा मैंने कहा कि हम जहां थे 75 साल में वहीं पे हमारी जब 70 साल की जो शासन व्यवस्था रही है उसकी बात मैं थोड़ी बहुत करूंगा। सबने अपने अपने स्वार्थ में, किसी ने अपने पार्टी के हित के लिए, किसी ने अपने पार्टी को कहा कि ये पार्टी ही भारत है, हमारा नेता ही भारत है और कुछ भारत में है ही नहीं है, तो उनका कल्याण होगा तो भारत का कल्याण हो जाए, ऐसी मान्यता वाली पार्टी एक थी जिसने हमारे ऊपर 50-60 साल तक शासन किया। उसके बाद पूरा 2.5 दशक 25-30 साल हमारे ऊपर जो शासन हुआ है, जिन पार्टियों ने, दो पार्टियों ने, स्थानीय पार्टियों ने जो शासन किया, उन्होंने तो उनसे भी बड़े मियां, तो छोटे मियां थे तो ये लोग बड़े मियां निकले, इन्होंने और भी अपनी जेब गर्म करने के अलावा, अपने कुंबे का कल्याण करने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। हमारे पूर्वांचल की माननीय दिनेश सिंह जी बोल रहे थे कि आपने ऐसी अलग चलाई है, आज आपने ऐसा दिया जलाया है, किसी कवि ने कहा है उसके उनकी बात के ऊपर से मुझे याद आ गया, भाई अंधेरा है पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ, ये मैं खुले डंके की चोट पे कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, उपाध्यक्ष हूं राज्य का, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है मित्रों, आपके इस भांजे को, आपके इस बेटे को, भतीजे को, फिर भी विनम्रता पूर्वक मैं ये कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल का जो विकास होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, उसमें हमारा हिस्सा तो बहुत छोटा है,
75 साल में हमारा हिस्सा तो मात्र 5 साल का है, मैं 70 साल की बात कर रहा हूं। लेकिन एक कवि ने कहा था, किसी शायर ने कहा था कि माना कि अंधेरा बहुत घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। तो आज आपने मित्रों, आज आपने वो दिया जला दिया है और मऊ से लेकर के द्वारी घाट तक जो जन सज्जन जन सैलाब है, जिसको माननीय दिनेश सिंह जी ने जिसको दिए में घी की बात कह करके उसकी संज्ञा दी, मैं धन्य हो गया। हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं मंच पर, हम सब धन्य हो गए कि आपने इतना प्रेम दिया, इतना ज्यादा घी लेकर के आप आए हैं कि वो दिया कभी बुझेगा नहीं और वो दिया विकास का दिया होगा। उससे जैसा दिनेश सिंह जी ने कहा कि उससे ऐसी लौ निकलेगी, ऐसी मशाल जलेगी, ऐसा प्रकाश होगा कि पूरा पूर्वांचल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश उससे प्रकाशित होगा मित्रों। और मैं आपके बच्चे के रूप में, आपके लड़का के रूप में, आपके बहने के रूप में आपके हम वचन देते हैं कि आपके आशा पर हम कभी पानी ना फेरे दे। आपके आपके विकास, आपके मन में जो विकास की कल्पना है, आपके मन में जवन विकास की कल्पना हो के देखते देखते मन पूरा कह जाए और मैं कोनो शंका कहने का जरूरत ना। आज आप लोगों को देख करके अभी सच मानिए, यहाँ जो माननीय लोग बैठे हुए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, आपको भी मालूम है, ये हमारे कुछ बहुत ही गिने चुने हुए, बहुत ही कम, हम तो अभी कई लोग हमसे नाराज हैं, इस मंच पे भी कई लोग नाराज बैठे हुए हैं, किसी किसी तरह से हम उनका हाथ जोड़े हैं। उन्होंने कहा भैया आपने तो हमसे तो कहा ही नहीं कि ऐसा कार्यक्रम करना है। ऐसे हजारों लोग, हमारा कोई सहपाठी है, हमारे साथ पढ़ा हुआ है, कोई हमारे गांव का है, कोई रिश्तेदारी का है, कोई हमारा परिचित है, कई ऐसे लोग हैं, हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा भाई साहब आपका कार्यक्रम ऐसा था और आपने तो हमको कहा ही नहीं, कौन आयोजक है कि हमको भूल गया, हमको नहीं बताया। हजारों लोग ऐसे हैं और यहाँ बैठे हुए लोग भी वो अपने आप में एक एक वट वृक्ष है। कई लोगों को तो आप देख भी नहीं पा रहे जो यहाँ सामने बैठे हैं, मंच पर भी उनको बोलने तक का, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा हो गया, लंबा हो गया, विलंब हो गया है, इसलिए कई लोग ऐसे हैं जिनको हम बोलने एक मिनट दो मिनट बोलने का भी हम मौका नहीं दे पाए। ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी इतनी शक्ति है कि वो एक एक व्यक्ति अगर चाहे तो इस तरह का एक अकेला सम्मेलन अकेले की शक्ति पर करा सकता है। ऐसे तमाम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और मैं भविष्य में ये भी चाहूंगा कि उनकी उस शक्ति का भी उपयोग होगा और मऊ जिले में इसका भी 10 गुना कोई सभा स्थल बनेगा और जिसपे हम सब मिल करके एक बहुत बड़ा जनसंवाद आने वाले दिनों में करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। और तब शायद हम अपने सभी मित्रों का, सभी सहयोगियों का, ये जो जनसभा है माननीय गण, भाइयों बहनों, माताओं, ये मात्र 10 दिन का परिश्रम है हमारे कुछ साथियों का। उसमें भी परसों तक जब मैं मऊ आया तो इन लोगों से बातचीत किया तो कहे कि भैया दिन में हम लोग घूमते हैं और शाम को तो घर आ जाते हैं। हमने कहा नहीं, अब 2 दिन बचा है तो थोड़ा शाम को भी घूम लीजिए। तो कुल मिलाकर के खाली 10 दिन का परिश्रम है। हमारे गांव के प्रधान जी बैठे हैं, आज सुबह हमारे घर में इतनी जद्दोजहद हो रही थी, आप मैं बता नहीं सकता कि मेरी कितनी फजीहत की गई है आज सुबह सुबह। वो कारण ये था कि हमारा पूरा गांव यहाँ आने के लिए तैयार बैठा था और हमारे ग्राम प्रधान जी ने कल बताया कि 2-3 बस आ जाएगी तो चल जाएगा। उसके बाद ये बस की संख्या बढ़ाते गए कि भैया 5 और चाहिए, भैया 4 और चाहिए, भैया 3 और चाहिए। और हमारी श्रीमती जी को एक मुद्दा मिल गया कि आप लोग बस का भी इंतजाम नहीं कर सकते। तो अब उसमें हम तो ऐसा फंस गए थे, लेकिन चलिए प्रधान जी यहाँ आकर के हम लोगों का लोगों को लाए। तो इतना प्रेम लोगों का है कि यहाँ आने के लिए, यहाँ स्वयंभू रूप से इस कार्यक्रम का कोई आयोजक नहीं है, इस कार्यक्रम को किसी ने भी आयोजन नहीं किया है, ये कार्यक्रम स्वयंभू रूप से आयोजित हुआ है, आप लोगों ने आयोजित किया है, आप लोगों ने इसको सफल बनाया है। आप सबको बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। मुझे मालूम है कि हर गांव में से जितने लोग आए हैं यहाँ, उससे उससे
उसके आधा लोग खाली आ पाए हैं और आधा लोग अभी भी साधन के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में यहाँ नहीं आ पाए हैं। मैं उनसे भी क्षमा मांगता हूँ, उनसे भी क्षमा प्रार्थना करता हूँ। मित्रों, भाइयों, बहनों, आज माननीय कल्पनाथ राय जी की जयंती है। आप जानते हैं इस जिले में विकास की अगर शुरुआत किसी ने की थी तो माननीय कल्पनाथ राय जी थे। और आज भी मैं एक राजनेता होने के बावजूद इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हमारे माननीय राय साहब इस जिले के लिए प्राणवायु थे। जैसे प्राणवायु होती है जिसके बिना सांस नहीं चलती है, जिसके बिना आदमी जी नहीं सकता। एक जमाना था कि जब उनका उनका रात दिन सोते जागते यहाँ के लोगों का, यहाँ के लोगों के विकास का कि वो चिंता किया करते थे। आज उनकी जयंती है। मैं आज आप सबकी तरफ से आप सबकी भावनाओं का को उनके प्रति समर्पित करते हुए उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं आशा रखता हूँ कि उन्होंने जो बीज विकास का बोया था और उन्होंने जो एक उच्च परंपरा, हमारी फजीहत तो ऐसी है कि सब लोग कहते हैं कि हाँ भैया कल्पनाथ राय जी थे तब तक विकास हुआ और उसके बाद बंद हो गया, तो मतलब ये कि अब हमारी तुलना कल्पनाथ राय जी से या हमारे काम की तुलना कल्पनाथ राय जी से होने लगी है, जो बहुत स्वाभाविक है, जो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ के इतना, अरे बतिया तो सुन ला, बतिया तो सुन ला लोगन, अरे बतिया तो सुन ला, पूरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो। पूरी बात यह है कि माननीय कल्पनाथ राय जी 20 साल जिला के सेवा कर लो, अब इन तो हमके 20 महीनों ना भैन भाई, तो थोड़ा समय लगता है। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, हमने जो थोड़ा छोटा मोटा शुरुआत किया है उसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई भी। मैं 14 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, 5 फरवरी को मैं MLC बना और उसके एक महीने बाद हम लोगों को बताया गया कि MLC का जो विधायक निधि होती है, विधायकों की जो निधि होती है वो जारी की जाएगी, जारी कर दी गई। तो कुल मिलाकर के 8-9 महीने का काम करने का समय मिला हमको। उस समय के दरमियान लगभग 500 करोड़ रुपए की योजनाएं हमने अपने विधायक निधि, तो 3 करोड़ की होती है, लेकिन 500 करोड़ रुपए का, चाहे रास्ते का काम हो, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे बिंद टोलिया में बाढ़ रोकने के की दीवाल का काम हो। एक बार हम बिंद टोलिया गए, वहां बड़ी बाढ़ आई थी, लोगों ने कहा कि भाई साहब तो 25-30 घर गिर गए। मैं गया तो मैंने कहा कि भाई यहाँ बनवाया जाएगा और बनना अब उसका प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। तो ऐसे तमाम काम थे, चाहे रोड का हो, चाहे रास्ता का हो, पुल का हो, चाहे पुलिया का हो, चाहे दवाखाने का हो, ऐसे सारे काम हाथ में लिए गए हैं। उनमें से कुछ कामों का आज या तो लोकार्पण किया गया है। मुझे बहुत खुशी है, यही पकड़ी गांव में उसी 8 महीने में एक काम तो पूरा भी हो गया, आज उसका लोकार्पण हुआ है, आज उसका उद्घाटन भी हो गया। ऐसे काम पूरे भी होते जा रहे हैं, बहुत सारे कामों की शुरुआत का शिलान्यास भी आज हुआ है। तो ये सारे के सारे काम आपके चरणों में समर्पित है, वो किया जाएगा और आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार है। आप जो करवाना चाहें, जो अपने बच्चे से करवाना चाहें उसका आदेश करिएगा, मैं आपकी आशाओं को पूरा करने के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। हमारा दुर्भाग्य जो रहा है, यहाँ एक बार एक आपने कोरोना का समय है, मैं आप सबको ये भी गुजारिश करूंगा कि आप सब सुरक्षित रहने का प्रयास करिए। इस भीड़ भाड़ में भी थोड़ा दूरी बनाने का हम लोग प्रयास किए थे, फिर भी भीड़ तो रैली होती है, लेकिन कोरोना में आप लोग सावधान रहिएगा, कोरोना के मापदंडों को आप पालन करिएगा। लेकिन कोरोना का वायरस तो बहुत मान ला कि दवाई से बचू जाइए आदमी, अपने क्षेत्र में पूर्वांचल में दूठे और वायरस बहुत चलेला। पहला वायरस है जातिवाद का। आपके लिए मैंने जैसा कहा 50 साल पहले का जो पूर्वांचल था वही आज भी है,
अब मैं डंके की चोट पे बात सिद्ध कर सकता हूं। किसी माननीय ने, एक बहुत वरिष्ठ नेता ने तो हमने हमको यहां तक समझा दिया कि नहीं भाई साहब आप गलती कर रहे हैं, आप ये बोल करके। पहले जो था वो भी बंद हो गया है, कोसी में एक मिल थी, नई थी उस जमाने में, आज जो है किसी किसी तरह से घिसक घिसक के चल रही है। मऊ में दो तीन मिले थी वो बंद हो गई, काटन मिल थी, स्वदेशी काटन मिल थी, प्रदाह की मिल थी, तो जो था वो भी बिगड़ गया। इससे इसलिए जो पहले था वो भी खराब हुआ है, दुर्भाग्य हमारा रहा है। और एक पार्टी जो अपने को समाजवादी कहती है, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं, जानते ही आप लोग राजनीति शास्त्र जो पढ़ता है उसमें समाजवाद और पूंजीवाद ये सब पढ़ाया जाता है। मैंने राजनीति शास्त्र पढ़ा भी है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक साल पढ़ाया भी है। दोनों ही स्थितियों में समाजवाद की ऐसी परिभाषा मैंने कहीं नहीं देखी, न पढ़ी है। पूरी दुनिया का साहित्य मैंने समाजवाद का पढ़ लिया, लेकिन ऐसा समाजवाद कि जो भी खाली प्लाट हो हमारा है, ऐसा समाजवाद आपने कहीं पढ़ा है किसी ने? आप पीसीएस बनने के लायक हो या ना हो, पीसीएस जानते हैं ना, जो एसडीएम साहब आपके ऊपर आते हैं, तहसीलदार बनते हैं, एसडीएम साहब बनते हैं, उसकी जो परीक्षा होती है वो पीसीएस की परीक्षा कही जाती है, उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में वो परीक्षा होती है। ऐसा समाजवाद कि आप चाहे आपका अंक कितना भी हो, आपने कॉपी कितनी भी खराब लिखी हो, लेकिन अगर आप उनके कुनबे से हैं तो आपको भर्ती हो जाएगी आपकी। ऐसा समाजवाद कहीं आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, ताली बजाइए नहीं पढ़ा है तो। ऐसा समाजवाद कि आपके अंदर स्कूल चलाने की क्षमता हो या ना हो, बिल्डिंग हो या ना हो, आपके अंदर एक, मैं परसों एक स्कूल में गया था तो वहां मैंने ये बात कही थी, लेकिन फिर दोहराने जैसी बात है, ये भी स्कूल है इसलिए मैं फिर यहाँ विद्या मंदिर है इसलिए बात कर रहा हूँ। पढ़ाई के स्टैंडर्ड को इतना गिरा दिया गया उस सरकार ने कि आज हमारी औन्नति का, आज हमारी दुर्दशा का, अगर रोड रास्ता तो बना ले जाइए, रोड रास्ता में कोई दिक्कत ना हो तो 6 महीना में हम बनवा देंगे, लेकिन जो हमारे मानसिक स्तर का अवमूल्यन किया गया है, नकल की छूट दे करके एक एक कुनबे के लोगों को, एक वर्ग विशेष के लोगों को भर्ती कराने के लिए कहा जाता था, कैसा ठीक है फलाने हमारे परिवार का हवा ना, ठीक है कल आ जाइए भर्ती, 10 पास के लिए और ना के लिए, अच्छा ठीक है ये स्कूल में चल जाइए, तो खाली नाम लिखवा दिया तो उनके सर्टिफिकेट 10 का मिल जाए, आके भर्ती हो जाए, खड़ा हो जाइए खाली भर्ती हो जाए, पीसीएस का परीक्षा खाली कॉपी जमा कर दिया तो भर्ती हो जाए। ऐसा समाजवाद कहीं नहीं मिलेगा और ऐसा समाजवाद हमें चाहिए भी नहीं। हमारे बच्चे इस घोसी के, इस द्वारी घाट के, इस हथिनी के, हमारे पहले भी आईएएस अधिकारी बाबू राजेंद्र राय जी रह चुके हैं, आईएएस अधिकारी यहाँ कोई हमारी जोड़ नहीं हुआ करता था, हमारे साथ जो मित्र पढ़ने जाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, लेकिन ऐसा बर्बाद किया, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया कि आज हमारे पास हमारी ऐसी स्थिति है। इसी स्कूल के प्राध्यापक और धर्मेंद्र और मैनेजर धर्मेंद्र राय जी से आप पूछेंगे तो कहेंगे कि भाई साहब अब तो नकल कराने के लिए भी बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बावजूद भी लड़के नकल नहीं कर पा रहे, अब ऐसी स्थिति आ गई, उनकी कॉपी लेकर के लिखना पड़ रहा है। तो ये एक समाजवाद हमको ऐसी सरकार ने दिया जिसको आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार बाप को भी बेटे को भी सत्ता दिया, लेकिन हुआ क्या, हमारी आपकी स्थिति जैसी थी वैसी ही रह गई। विकास किसका हुआ, माननीय कल्पनाथ राय जी की बारे में बात कर रहा था तो वो तो उनके बारे में मैं कह सकता हूं वो यही गरजते थे और यही बरसते भी थे, लेकिन ये समाजवाद ऐसा कि गरजते हैं आजमगढ़ में, जीतते हैं आजमगढ़ में, भाषण देते हैं गरजते हैं आजमगढ़ में, और बरसात कहां होती है, इटावा में होती है, समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। विकास कहां होता है, विकास इटावा में होता है। और उसके भी आगे सुनिए, हम एक बार अपने गांव के एक उस समय जो सत्ता में लोग थे उन्हीं के
मैं तो समझा कि उनके कुंबे का आदमी होगा, थोड़ा मजा लिया जाए। तो मैंने कहा भाई साहब आजकल तो आप लोगों की बड़ी चांदी है, आप तो आजकल आप लोगों की सरकार है। तो कहा कि भाई साहब किसकी सरकार? हमने कहा आपकी सरकार है। अरे यार क्या बात करते हैं भाई साहब, हमसे बड़े थे। तो क्या बात करते हैं, हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारी जाति में, हमारे समाज में किसी ने कोई भला किया नहीं है, कोई भला करने नहीं आया है। तो हम कहे नहीं, हम तो बड़ा सुनते थे कि आप लोगों का आजकल बड़ा जलवा है, बड़ा चांदी है। कहे नहीं नहीं वो तो खाली 2-3 जिले हैं, उन्हीं में खाली वो लोग विकास कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं बड़ा चौंका। तो अभी मैंने भाजपा में ज्वाइन किया तो जैसा कहा गया कि सभी जिलों का मैं दौरा कर रहा हूं, किया हूं, तो उसी कड़ी में मैं इटावा जिले में भी गया। तो इटावा जिले में गया तो वहां भी एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई साहब आप लोग तो बड़े खुशनसीब हो कि आपके जिले में तो बार बार आपके जिले से सरकार चलती रही है, तो आपके जिले का तो बड़ा अच्छा विकास हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं, आप जिस गाड़ी में चल रहे हैं उसके दाएं देख लीजिए, उसके बाएं देख लीजिए, विकास मालूम हो जाएगा आपको। और उनके आग्रह पे उन्होंने अपनी गाड़ी आगे कर लिया, हमारी गाड़ी पीछे कर दिया और कहा कि चलिए मैं इटावा की गलियों में से आपको लेके चलता हूं और आप स्वयं देख लीजिए क्या विकास हुआ है। तो आपको भी मैं इटावा का नहीं हूं लेकिन पश्चिम उधर से कई लोग आए हुए हैं, उनके तरफ से मैं आपको इटावा घूमने का निमंत्रण दे देता हूं। आपके मन में अगर कोई गलत फहमी हो तो जा करके इटावा देख आइएगा। और वही देखते देखते मित्रों, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इन लोगों की, वही देखते देखते बाद में जब गाड़ी रुकी थी, एक महिला रोते हुए आई, भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता थी, कहेंगे भाई साहब आपकी गाड़ी जिधर से आई है वही हमारा एक प्लाट पड़ा हुआ था, खाली था और इन महानुभावों ने कब्जा कर लिया। ये स्थिति है उन समाजवादियों की। ऐसा समाजवाद कहने के लिए, ऐसा बहुजन कहने वाले लोग किसका, यहाँ जो बैठे हजारों लाखों लोग हैं किसका भला हुआ है भाई उस शासन में? कोई एक आदमी बता दे कि हमारे कोई यहाँ मल्लाह के घर की मल्लाह की बहुएं बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, बिंद लोग बैठे हुए हैं, हरिजन अनुसूचित जाति के लोग बैठे हुए हैं, राजभर समाज के लोग बैठे हुए, कोई ऐसा समाज नहीं है, पिछड़ी जातियों का हो चाहे अगड़ी जातियों का हो, कोई ऐसा समाज नहीं है जो यहाँ उपस्थित न हो। और उनमें से सबके बीच में ये बात पूछता हूं, इन दोनों सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकारों ने, किसी ने एक को आपके बेटे को इंस्पेक्टर बना दिया हो, एक को पीसीएस बना दिया हो, एक को आईएएस बना दिया हो पढ़ा लिखा करके, तो मैं अपनी अपनी गुलाबी लिखाने को तैयार हूं। लेकिन उन्होंने जो किया है मात्र या तो अपना पर्स भरने के लिए, पर्स लटका के चलना फैशन में ही है आजकल, तो या तो पर्स भरने के लिए किया और या तो अपने अपने कुंबे को मजबूत करने के लिए, एक एक कुंबे से, एक एक परिवार से 10-10 आदमी संसद में, 10-10 आदमी विधानसभा में, अनगिनत आदमी ब्लॉक पंचायत में और जिला पंचायत में, ये समाजवाद था उनका। ऐसे समाजवाद में हमें उस वायरस से दूर रहना है जो जातिवाद का, जो जात पात का जो वायरस हमारे अंदर फैलाया जाता है। वो फैलाने का सीजन इसी सीजन में ज्यादा चलता है, इलेक्शन के सीजन में, और ज्यादा फैलता है आप जानते हैं। एक दूसरा वायरस जो इस जिले में और पूर्वांचल में चलता है मित्रों, वो है माफियाओं का। वो इससे भी खतरनाक वायरस है। साल दर साल हमारे रोड और हमारे रास्ते और स्कूल और दवाखाने क्यों खराब है, उसका रहस्य मैं आपको बता दूं मित्रों। उसका रहस्य ये है, सरकार तो पैसा देती है रोड बनाने के लिए, लेकिन ठेका किसको मिलता है आप जानते हैं? सारे ठेके ऐसे गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को मिलते हैं और वो उस पैसे को दीमक की तरह 95-90% पैसा जो है उनकी जेब में जाता है। उस पैसे से वो अपने आगे पीछे 25-25 गाड़ियां, 50-50 गनर लेकर के चलते हैं, हमको आपको धमकाते हैं, प्रताड़ित करते हैं सामान्य आदमी को। हमारे और आपके गाड़ी कमाई के पैसे से विकास का जो फंड आता है, पूरा का पूरा फंड उनके जेब में, उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। ये दूसरा हमारा दीमक है
ये दूसरा हमारा वायरस है जो पूर्वांचल को खाया जा रहा है। इस बार न तो हमें जातियों के चक्कर में पड़ना है और न ही माफियाओं के चक्कर में पड़ना है। हमारे बीच हमारे माननीय जिला भाजपा अध्यक्ष जी कह रहे थे भाजपा का साथ दीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं इसलिए भाइयों बहनों कह रहा हूं कि जो भी हम करते हैं पारदर्शक रूप से आपके सामने यहाँ पट्टी खोली गई है, आपके सामने यहाँ शिलान्यास किया गया है और कल आप जाकर के किसी ऑफिस में किसी जगह पे आप चेक कर सकते हैं कि वो रोड का काम अब आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पारदर्शक रूप में ना लाखों लोगों की भीड़ के बीच में ये शिला लगाई गई, इसलिए लगाई गई कि जनता को मालूम पड़े क्या MLC साहब क्या बोल रहे हैं, विधायक जी क्या बोल रहे हैं। और उसमें मैं यहाँ उपस्थित बहुत सारे ठेकेदार भी यहाँ उपस्थित होंगे, मैं उन सारे ठेकेदारों को बोलता हूँ कि हमें अपनी विधायक निधि का 40% 50% मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप ऐसी रोड बनाओ, ऐसा रास्ता बनाओ, ऐसा स्कूल बनाओ, ऐसा दवाखाना बनाओ कि कम से कम 50 साल उसको देखने की जरूरत न पड़े। ऐसा मजबूत बनाओ, आप अपने घर से दो पैसा उसमें डालो, कॉन्ट्रेक्टर भावे इंजीनियर साहब हमें चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप ये जो विकास का यज्ञ AK शर्मा करने निकले हैं उसमें आप भी आहुति दीजिए। अभी मैं परसों अपने गांव में एक अस्पताल बनवाया हूं और उसमें सरकार ने जो योगदान दिया है उसका 10 गुना योगदान हमने प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र से हम लेकर के आए। दुआई निवेदन मैं यहाँ के सभी मानिंद लोगों से, ठेकेदारों से, इंजीनियरों से, सबसे करूंगा कि देखो आप सरकार का, जनता का आप एक पैसा चुराओगे आपके घर में बरकत नहीं होगी, ये मेरा 50 साल का अनुभव है। कई ऐसे इंजीनियर कई ऐसे ठेकेदारों को मैं जानता हूं भाइयों बहनों कि जिन्होंने बेईमानी की, सरकारी पैसे में सरकारी खजाने को लूटा और बाद में लेकिन उनको सुख नहीं मिला, बाद में उनका जीवन बड़ा ही कष्टप्रद रहा। एक आंसू उनके मुझे अभी भी याद है। हमारे नीचे लोग काम करने वाले थे, जब उनको बुला के हम पूछते थे तो कहते थे भाई साहब हमारा तो नाम बदनाम हुआ कि हमने इतना कमाया है और पैसा जो है सच पूछिए तो फलाने लगे। ऐसे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता से जितने रुपए का काम हो उतने रुपए का वहां बोर्ड लगेगा। मैं चाहूंगा कि जितने इंजीनियर यहाँ सुन रहे हैं जिन्होंने शिलान्यास करवाया है वहां बोर्ड लगेगा कि इतने लाख का ये काम था, जनता देखे उसको कि भाई हाँ उतने लाख का काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ये मैं चाहूंगा। भाइयों बहनों, ये माननीय नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि आपसे आपका खाली आत्मबल चाहिए हम लोगों को, आपका आत्मबल रहेगा, आपका बल रहेगा, आप अगर दिए में घी डालते रहेंगे तो न फंड की कमी होगी, न काम की कमी होगी, न आपके सुख सुविधा की कमी होगी। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने इस राज्य में राम मंदिर का आपका सपना साकार किया है, उसी तरह से हम आपके देखते देखते हमारे और आपके जीवन में हम राम राज्य का सपना भी साकार करके दिखाएंगे, इसमें कहीं कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं। हम चाहेंगे कि आप सब आज से अपने क्षेत्र में गांव-गांव से जो लोग आए हैं, पूरे पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग ये बात सुन रहे हैं, पूरे प्रदेश के लोग आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप जातिवाद धर्म के नाम पर वोट देने के बजाय इस चुनाव में विकास को आप एक एजेंडा बनाइए, आप अपने अपने क्षेत्र के विकास के प्रति आग्रह करिए। मैं कल एक वकीलों के कार्यक्रम में गया था, मैंने कहा कि भाई विकास का आप वकील बनिए, विकास की वकालत करिए, बाकी सब लोग आपके पीछे पीछे अपने आप चलने लगेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपसे जो भी आता है, जो भी धर्म और जात की बात करता है कि भाई फलानवा हमारे जात का तो हूँ हवा के लिए ओटवा दे दा भैया हमके जिता दा फिर देखल जाए, ये सब कोई पहली बुझाने की कोई बात नहीं। बात करो, सटीक बात करो, हमारे गांव में रास्ता नहीं है, हमारे गांव का दवाखाना नहीं चलता है, हमारे गांव की स्कूल जो है गिर रही है, हमारे गांव में पुल पुलिया की कमी है,
बिंद टोलिया में हम गए थे, सोचिए कि घाघरा सरजू नदी कोई नई तो नहीं है, अनंत काल से सरजू नदी बह रही है, उसी के किनारे बसा हुआ एक गांव बिंद टोलिया मधुबन तहसील का। मैंने सुना इस मानसून के सीजन में इतनी पीड़ा हुई हमको, अरे क्या क्या बात करते हैं, इतने सालों से सरजू नदी बह रही है, हम लोग बचपन में सब यहाँ जाते थे तो उसके किनारे खेलते थे, कोई नई चीज लहर थोड़े ना आ गई है सरजू की, और लेकिन उस गांव को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं हुआ था। और गांव का हर एक तीसरा हिस्सा जो है हर बाढ़ में चला जाता था नदी में, और अब जाकर के उसको बाढ़ रोकने की बात हो रही है। तो ऐसे कामों का आग्रह करिए भाइयों बहनों, कहीं बाढ़ से नुकसान हो रहा है, कहीं आपको चलने के लिए रास्ता ठीक नहीं है, कहीं आपके बैठने के लिए पढ़ाने के लिए बच्चों के स्कूल अच्छा नहीं है, कहीं आप बीमार हो जाए तो आपको भर्ती करने के लिए दवाखाना नहीं है, अस्पताल नहीं है, उसका आप आग्रह करिए। और सच मानिए अगर आप अपने मांग पर डिगे रहेंगे, आप अपनी मांग को लेकर के अगर पक्के रहे खड़े रहे तो हमारे जैसे नेता बाकी सारे दल आपके पीछे चलेंगे, आपको किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं इसी पीड़ा के चलते आपका ये भांजा, आपका ये बेटा, आपका ये भतीजा, इसी के चलते आपकी बनाई हुई आपकी पढ़ाई के बल पर जो मैं आईएएस की नौकरी पाया था उसको 2 साल पहले छोड़ करके मैं आपकी सेवा में आया हूं मित्रों। और कोई मेरा आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ सरजू माता के आशीर्वाद से, भगवान विश्वनाथ के, भगवान विश्वेश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ मिला हुआ है मुझे, ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। मात्र मैं आपके विकास से पीड़ित होकर के, आपके विकास से चिंतित होकर के, कई बार हम लोग गुजरात से जब आते जाते थे तो हमारी श्रीमती जी हमसे पूछा करती थी कि वहां इतना बढ़िया रोड रास्ता हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। ये बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है, कोई भी गृहिणी कोई भी सामान्य आदमी के मन में ये प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है, क्यों नहीं होता था। ये पहली मैंने समझाया आपको, एक अलग समाजवाद यहाँ चलता था इसलिए नहीं होता था। वो समाजवाद ऐसा था कि हमारे घर के लोगों की लायकात हो या नहीं हो, पात्रता हो या नहीं हो, सब कुछ उनकी झोली में जाना चाहिए, आपके लिए कुछ मिलने की देने की कोई आवश्यकता नहीं, वो उनका समाजवाद था इसलिए विकास नहीं होता था। लेकिन अब मैं इसीलिए आया हूं, यही करने आया हूं, आपके आपके विकास की जो सपने थे उन सपनों को साकार करने के लिए मैं आया हूं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर, आपके चरणों में बैठकर, आपका आदेश लेकर, आपकी भावनाओं को समझकर मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। मैं इतना आपसे अवश्य कहता हूं, सरजू माता की सौगंध खा करके कहता हूं कि आपका आपके आशीर्वाद से अभी तक मां विंध्यवासिनी मां सरजू माता के प्रताप से अभी तक मैंने जो चाहा है वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी हुई है, और मेरे मन में अभी भी जो इच्छा है मां सरजू और बाबा भोलेनाथ। देखिए किस तरह से एमएलसी के शर्मा जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि किस तरह से मऊ का विकास, पूर्वांचल का विकास नहीं हो पाया है, 50 सालों से जो विकास था वो भी अब रुक गया है, समाजवादियों पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं एके शर्मा। उन्होंने एके शर्मा ने समाजवादियों को एक कोरोना की तरह एक वायरस बताया है, वो वायरस बताया है जिनके राज में काम नहीं हुआ, जिन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया चीजों को, कई बार सरकार बनी लेकिन जो है विकास नहीं हो पाया है पूर्वांचल का। तो पूर्वांचल के विकास का मुद्दा उठाया है उन्होंने, सबसे पहले अपनी शुरुआत करी संबोधन की नमन के साथ, धरती को नमन किया, मऊ की धरती को नमन करते हुए, सरयू नदी की धरती को नमन करते हुए उन्होंने सभी जितने भी जनता मौजूद है उनका स्वागत किया, उनका धन्यवाद किया कि वो यहाँ पे आए हैं। उन्होंने कहा कि जिले से, अलग अलग जिले से लोग यहाँ पहुंचे, उनके कार्यक्रम में पहुंचे, जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे और उनको धन्यवाद दिया। साथ ही जो लोग चाहे वो ठंड की वजह से, चाहे जिन भी परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पाए उनसे क्षमा भी मांगी कि जो लोग यहाँ आना चाहते थे इस कार्यक्रम में वो नहीं आ पाए, उनसे क्षमा भी मांगते हुए नजर आए। और लगातार अब वो विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर वोट दीजिए, ना कि जाति धर्म के आधार पर वोट दीजिए। जनता से अपील करी है
कि आहुति दीजिए विकास के काम में, अपना योगदान दीजिए, अपनी तरफ से जो भी योगदान हो पाए वो करिए, विकास की जो गंगा बह रही है उसको आगे बढ़ाइए। तो एके शर्मा विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर समाजवादी पर निशाना साधा पार्टी पर कि उनके राज में किस तरह से पूर्वांचल का जो विकास था वो नहीं हो पाया है। विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाइए, विकास के मुद्दों को लेकर आगे चलिए, जो बातें हैं जो वादे करे जा रहे हैं वो चाहे जाति धर्म के आधार पर हो उस पे वोट ना दे। जाति धर्म के मुद्दों लेकर जो विपक्ष चलता है उसको ना ध्यान में रखते हुए विकास के मुद्दों को ध्यान में रखें और उस पे वोट दे। साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी करी कि जिस तरह से जनसंवाद कार्यक्रम में बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है, उन्होंने कहा कि 1,00,000 लोगों की भीड़ देखने को मिली है, 50,000 लोग अगर फील्ड के अंदर है और 50,000 लोग बाहर है, तो इन सभी का धन्यवाद किया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाना मुश्किल है, लेकिन कोरोना से बचाव की उन्होंने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अभी भी हम लोग के बीच है, उससे बचने की पूरी कोशिश करें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, और जो समाज में बुराइयां हैं, माफिया है या फिर जो है जाति धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है, जो राजनीति होती है, उन सभी को लेकर उन्होंने कहा कि इन सब वायरस से भी बचने की जरूरत है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।